कर बनाई गई यह भव्य इमारत यूपी की शान है, स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना है। यहाँ साक्षात माँ सरस्वती का वास है, इसीलिए तो हम इसे ज्ञान की देवी का मंदिर भी कहते हैं। यहाँ से इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, फार्मेसी, आर्किटेक्चर आदि की डिग्री लेकर प्रति वर्ष लगभग 70,000 से अधिक छात्र छात्राएं पूरी दुनिया में अपना, अपने माता पिता, विश्वविद्यालय और देश का नाम रोशन कर रहे हैं। आज जब विश्वविद्यालय 20वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है और अपना स्थापना दिवस मना रहा है, तो जरूरी है कि हम सब अतीत में एक बार जरूर झांके, जाने कि आखिर तक्षशिला और नालंदा से आगे जाने को तत्पर इस विश्वविद्यालय की नींव में कौन कौन से पत्थर मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले कुछ जरूरी तारीखें जिनका इस विश्वविद्यालय से सीधा रिश्ता है। 7 मई 2000, इसी दिन उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय का जन्म हुआ। 26 जुलाई 2000 को पहले कुलपति के रूप में प्रोफेसर दुर्ग सिंह चौहान ने कार्यभार संभाला। 16 फरवरी 2010 को इस विश्वविद्यालय को दो हिस्से में बांट दिया गया और उत्तर प्रदेश को गौतम बुद्ध प्राविधिक विश्वविद्यालय और महामाया प्राविधिक विश्वविद्यालय मिले। एक का मुख्यालय लखनऊ तो दूसरे का नोएडा बना। इसी के साथ उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय का नाम समाप्त हो गया। समय चक्र चला 30 सितंबर 2013 को दोनों प्राविधिक विश्वविद्यालय एक हो गए और उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय एक बार फिर अस्तित्व में आ गया। समय ने करवट ली, हरदिल अजीज, महान वैज्ञानिक, देश के पूर्व राष्ट्रपति, भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब हमेशा हमेशा के लिए हम सबको छोड़कर चले गए। 9 सितंबर 2015 को यह विश्वविद्यालय उनके नाम से जाना जाने लगा। राज्य के अलग अलग भूभाग में फैले 750 कॉलेजों के माध्यम से लगभग 2.5 लाख छात्र छात्राओं को शिक्षा देने वाला यह विश्वविद्यालय आज अपने अनूठे प्रयोगों के लिए जाना जाता है। डिजिटाइजेशन और इनोवेशन इस विश्वविद्यालय की पहचान बन चुके हैं। नित नए प्रयोग हो रहे हैं, बात चाहे इम्तहान की हो या कापी जांचने की, हर जगह तकनीक का इस्तेमाल यहाँ आम है। इसी वजह से आज दुनिया के किसी भी कोने में बैठे छात्र छात्राएं आसानी से अपने सभी प्रमाण पत्र पा रहे हैं। व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर जैसे माध्यमों से भी समस्याएं सुनी और हल की जा रही हैं। यह विश्वविद्यालय कलाम साहब के सपनों के अनुरूप चलने की कोशिश कर रहा है और भारत के नव निर्माण में लगातार भागीदार बन रहा है। 19 वर्ष पहले अपने राज्य में तकनीकी शिक्षा के संस्थान तो थे, लेकिन उनकी संख्या बेहद कम थी। ये सब यत्र तत्र राज्य के विश्वविद्यालयों से संबद्ध थे। तकनीकी शिक्षा को लेकर उन विश्वविद्यालयों की कोई नीति नहीं थी। इसका सपना बुना तब के मुख्यमंत्री और आज राजस्थान के राज्यपाल श्री कल्याण सिंह ने। उनके सपनों को साकार किया उनके उत्तराधिकारी रहे मुख्यमंत्री श्री राम प्रकाश गुप्त ने। इसे आकार देने में महती भूमिका अदा की विश्वविद्यालय के पहले कुलपति प्रोफेसर दुर्ग सिंह चौहान ने। प्रोफेसर चौहान के काम को उनके सभी उत्तराधिकारियों ने आगे बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। दूसरे कुलपति प्रोफेसर प्रेमवत जी ने शोध पर फोकस करते हुए विश्वविद्यालय को अपने तरीके से संवारते रहे, तो अगले कुलपति प्रोफेसर कृपाशंकर जी ने आईटी के टीचर्स के वर्षों से रुके हुए प्रमोशन कर उनका उत्साह बढ़ाया। प्रोफेसर आरके खांडल जिन्हें कुलपति के रूप में विश्वविद्यालय के हित में अनेक सकारात्मक कदम उठाए, जिसे लोग आज भी याद करना चाहते हैं। आज इसे आगे बढ़ाने में जी जान से जुटे हैं मौजूदा कुलपति प्रोफेसर विनय कुमार पाठक। उनकी देखरेख में विश्वविद्यालय का आकार सुगठित और बेहतर हुआ है। 19 वर्ष पूरे कर चुके इस विश्वविद्यालय की स्थापना में अपनी महती भूमिका निभाने वाले पहले कुलपति आदरणीय प्रोफेसर दुर्ग सिंह चौहान जी, प्रोफेसर प्रेमचंद जी, प्रोफेसर कृपाशंकर जी और प्रोफेसर आर के खांडाल साहब समेत सभी महानुभाव अधिकारी, कर्मचारियों, शिक्षकों का मैं स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। मैं भरोसा दिलाता हूँ कि विश्वविद्यालय को आप सबकी मंशा के अनुरूप लेकर चल रहा हूँ और आने वाले समय में इसे और आगे लेकर जाने का इरादा है। मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ, प्राविधिक शिक्षा मंत्री श्री आशुतोष टंडन गोपाल जी समेत अनेक विशिष्ट विभूतियों की मौजूदगी में 20 जून 2017 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विश्वविद्यालय के तीनों भवनों का लोकार्पण किया। आज मुझे
इस टेक्निकल यूनिवर्सिटी के भवन के निर्माण लोकार्पण का भी अवसर मिला है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के साथ इसका नाम जुड़ा हुआ है। मैं नहीं मानता हूं कि तकनीकी जगत के लिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से बड़ा कोई प्रेरणा का नाम हो सकता है। आईटी के एक छोटे से ब्लॉक से चलने वाले विश्वविद्यालय को 17 वर्ष बाद अपना भवन मिला। शून्य से शुरुआत करने वाला विश्वविद्यालय आज अपने पैरों पर खड़ा है और उच्च मानदंडों पर खरा उतरने को तत्पर भी। ज्ञान की देवी के इस मंदिर के उन सभी पुजारियों को आज स्थापना दिवस पर हम नमन करते हैं जिन्होंने अपना किंचित योगदान दिया है। हम उनके सहयोग की सराहना करते हैं और संकल्प लेते हैं कि हम सब इसे हर हाल में आगे लेकर जाएंगे। और इन लाइनों के साथ हम अपनी बात समाप्त करेंगे। जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी के कई इम्तहान अभी बाकी हैं, अभी तो नापी है बस मुट्ठी भर जमीन, अभी तो सारा आसमान बाकी है।